तुझे सामने देख दिल थामने मैं लगा तू नजर ना चुरा तेरा हो न चाहे तुझे ही पुकारे ये दिल हो गया है तेरा तू जो भी कहेगा मिलेगा ये ठेंगा यूं ही फैंटेसी ना बना तू बेकार ताके शकल देख जाके जरा खैर अपनी मना आगे पीछे फिर है क्यों तमाशे करे है होने वाला नहीं कुछ तेरा ख्वाब दिखे तू देखे कोई तुझको ना रोके पर अभी होश कर तू जरा कैसे इतरा रही है क्यों उड़ी जा रही है रख तू जमीन पर जरा कर लिया है इरादा कहीं लिख ले ये वादा तुझे अब है नहीं छोड़ना सोच कर तो बढ़ा ये लिपस्टिक ये मेकअप हुआ तेरा पैकअप तू जा अपना चेकअप करा मैं तेरा रोमियो 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 बड़ा तू मेरी हीर सोनी है मैं तेरा रोमियो 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 बड़ा तू मेरी हीर सोनी है ये भी ना जाने राजे की हीर सोनी है बड़ा तू रोमियो शोमियो ये भी ना जाने राजे की हीर सोनी शातें बनाना दूसरों को सताना तूने सीखा कहाँ से बता उम्र सारी चलेगा पर तुझे ना मिलेगा जो मेरे दिल का है रास्ता ये अकड़ना भी तेरा दिल है धड़का है मेरा अब तो दिल है ये जिद पे अड़ा ये समझ ले इशारे छोड़ नखरे भी सारे हाथ में हाथ मुझको थमा दिल तेरा तू कर ले बहाना मगर लेके जाना जरूरी हुआ दिल तेरा मैं तेरा रोमियो 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 बड़ा तू मेरी हीर सोनी है मैं तेरा रोमियो 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 बड़ा तू मेरी हीर सोनी शोमियो ये भी न जाने राजे की हीर सोनी है सामान भेज दिया खुद क्यों नहीं आए अब्बा जी वो तो उनका बड़ापन है कि हमारी खातिर ये सब कुछ किया वरना उनके खानदान में कहाँ रस्मों का रिवाज है क्लिनिक से उठे शादी की और फिर वापस क्लिनिक चले गए अब नजर भाई आपके लिए ये सूट वैसे लोग खानदानी है मेरे लिए पेंट कोट भेजा है
बंदा पहने ना पहने रोब रहता है इसका। लेकिन एक बात की समझ नहीं आई, जो कलर मैंने सोनी के साथ रात को डिस्कस किया सुबह इन्होंने वही भेज दिया, इनको कैसे पता चला? उनको पता है कि हमारे नजर भाई की पसंद ही इतने ऊंचे लेवल की है। हाँ ये भी है, बशर्त ये कि खर्चा किसी और का हो। ला यार आफ्टर ऑल मैं दमा दूं यार, इज्जत है मेरी बड़ी, लेकिन चीजें देने के लिए वैसे इनको खुद आना चाहिए था। आपने जरूर छोटी बात करी है। अफलातून इधर आ, ये देख ये तेरे लिए पूरा सूट है, देख देख। हाँ ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और ये सारा सामान हीर के लिए, ये कपड़े जूती और ये चूड़ियां भी, इतनी प्यारी है ना माशाल्लाह। हाय उनका कितना खर्चा हो गया होगा? जी रोमियो की सारी पॉकेट मनी लग गई। मेरा मतलब है कि पॉकेट में जितने पैसे थे ना वो सारे उसने उसमें लगा दिए। बस खाली मिठाई भेज देते तो ठीक था, इतना सामान भेजने की क्या जरूरत थी? अब देखो ना कितना सामान भेजा। कहा सब कुछ हकीम साहब, मुझे बस ठीक ही लग रहा है, गोंगलों पे से मट्टी जा रही है इन्होंने। गोंगलू भी है किधर है? अरे अभी तो और भी चीजें हैं। अफलातून यहाँ जगह बना और वो लेके आ। ये देखें ये घड़ी भी है, इतनी महंगी है ना। हकीम साहब के लिए? अरे नहीं ये तो नजर भाई के लिए है। मुझे ये बड़े पसंद है ये लोग। वैसे हकीम साहब हीर के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता था। उन्होंने तो माफी भी मांगी है अलग अलग मियां बीवी ने। माफी की क्या जरूरत थी, हम भी तो कुछ ज्यादा ही बोल गए थे। वैसे हकीम साहब वो बड़े लोग हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि दिल के भी बहुत बड़े हैं। मुझे बहुत पसंद है ये लोग। मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, अगर और भी कुछ भेजा होता तो और भी अच्छे लगते। जरा मेरी बात तो करवा उनसे, मैं शुक्रिया अदा करूं उनका, आफ्टर ऑल मैं दमाद हूं। अब नजर भाई अगर आपने उनसे बात करके उनका शुक्रिया अदा किया ना तो उनको लगेगा कि आप उनको गैर समझ रहे हैं। लो तो मेरी तो समदन से बात कराना अच्छा नहीं लगता। वो अब्बा जी दरअसल मैं उससे पूछूं तो सही कि इतनी चीजें भेजने की क्या जरूरत थी भला। अब्बा वो मरीज देखती रहती है ना, इस वक्त भी कोई ऑपरेशन कर रही होंगी, बिजी रहती है बहुत। इन डॉक्टरों का क्या है, नक्स हो न हो चीर फाड़ देते हैं। घड़ी बहुत अच्छी है लेकिन। तुम्हारे लिए है। मिठाई खाएगा कोई? मिठाई खाए ना। लो 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 मैं। डॉक्टर साहब आपने अपनी फीस बढ़ा दी? हाँ अब मैं प्रिंसिपल बन गया हूँ ना। मौला खुश रखे, अब आपके प्रिंसिपल बनने का खर्चा भी मैंने ही उठाना है। अगला मरीज भेजो। चलिए आप। बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरी शादी नहीं हो रही। रोमियो मैं मरीज देख रहा हूं, खर्चा की बात होगी तो मैं टाइम लेकर आया हूं और पूरी फीस देके भी। व्हाट इज दिस रोमियो? मुझे समझ नहीं आ रहा पापा मैं क्या करूं। आई नीड यू। मामा मेरी बात नहीं सुन रही, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? मैं नहीं चाहता कि तुम वो करो जो मैंने किया है। क्या मतलब है कुछ समझा नहीं।
पापा हर बच्चे का बाप उसका हीरो होता है। लेकिन मैं तुम्हारा हीरो नहीं हूँ। पापा मुझे क्या पता था उसके घर वाले हकीम है। मैंने हीर से मोहब्बत करने से पहले उसका कोई शजर नस थोड़ी निकाला था कि मुझे पता होता उसके घर वाले हकीम है। मुझे हीर से प्यार है और मैं कुछ नहीं जानता। देखो हर बाप अपने बेटे का हीरो होता है, लेकिन मुझमें हीरो वाली कोई बात नहीं थी। मैं हीरो नहीं बन सका। हीरो वो होता है जो जिस बात को दुरुस्त समझे उस पर डट जाए। मैं डट नहीं सका। मैं हाउस जॉब कर रहा था। वो एमए उर्दू की स्टूडेंट थी। उसके घर वाले उसकी शादी कर रहे। वो भागकर मेरे हॉस्टल आ गई। लेकिन मैं हीरो नहीं था। मुझे बड़ा डॉक्टर बनने बाहर जाना था। बड़ा डॉक्टर बन गया। तो आप उसे मिस करते हैं? नहीं, लेकिन तब से मुझे लगने लगा कि मैं अपना हीरो नहीं हूं और मैं अपने बेटे का भी हीरो नहीं हूं, क्योंकि जिस बात को मैं ठीक समझता था मैं उस पर स्टैंड नहीं ले सका। मुझे अच्छा लगता है कि तुम स्टैंड ले रहे हो। पांच मिनट के बाद दूसरा मरीज भेज दीजिएगा। ठीक है। पापा आप मेरा हौसला बनेंगे, मेरे हीरो बनेंगे। अब कैरेक्टर एक्टर की उम्र में क्या हीरो बनना। अब तुझे हीरो बनता देखेंगे। और हाँ, मेरी फीस पूरी देकर जाना। अब मैं प्रिंसिपल बन गया हूं। और कोई परहेज डॉक्टर साहब? मोहब्बत और जंग में सब जायज है, बस इस जुमले से परहेज करना। अफलातून, अफलातून भाई जा जाके देख कहीं वो रोमियो के घर वाले रास्ता तो नहीं भूल गए। मैं खुद पता करके आता हूँ, इतने अच्छे लोग हैं। चला अफलातून आओ। पहुंच गए अब्बा, वो आ गए। आ जाए आइए। अस्सलाम वालेकुम। आइए तशरीफ लाइए। आई हाँ बेटा, आई बैठी रखी। तुम भी बैठो बेटा, बैठो बैठो ना भाई। और सुनाए, कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? नहीं जी हकीम साहब, बिल्कुल भी नहीं। आप बताइए कि आपका दवाखाना कैसे चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, आपके क्लिनिक जैसा तो नहीं चल रहा, लेकिन बस कुछ ना कुछ गुजारा हो जाता है। डॉक्टर साहब नहीं नजर आ रही। जी वो मामा तो आप क्या लेंगे, कुछ ठंडा लाऊं या गरम? दोनों ही ले आओ, जो दिल करेगा पी लेंगे। आपने माफी मांगकर मुझे छोटा कर दिया। आप वाकई बहुत बड़े दिल के हैं। माफी? वो प्रोफेसर है ना, भूल गए, भूलेंगे कैसे नहीं। वो सूट कहाँ से लिया था आपने? कपड़ा बहुत अच्छा था, अब्बा को बहुत पसंद आया। कौन सा सूट? अच्छा पहना है ना। ओह, तो उसकी बात करें। अच्छा, बहुत शुक्रिया।
वो घड़ी भी बहुत अच्छी थी, अब कितने की होगी? घड़ी? मैंने कोई घड़ी भी गिफ्ट की थी? अच्छा वो जी, फिर तो बहुत कीमती होगी। वैसे तोहफे की कीमत पूछनी नहीं चाहिए। मिठाई आपने हमारे मेले से ही क्यों ली? तो और कहां से लाती? तो और कहां से लाते? मैंने कहा था कि मेरे घर वालों को यहीं की मिठाई पसंद है इसलिए। अरे तो मुझे पहले बता देते ना, मैं रियायत करवा देता। वैसे मैंने और क्या क्या दिया तोहफे में? मेरा मतलब है मैंने जो कुछ भी दिया मुझे खुशी है कि आपको पसंद आया। लो, पसंद कैसे ना आता, इतनी कमाल की तो चीजें थी। खरीदी किसने थी? असल में जी मेरे बेटे को शादी की बहुत जल्दी है, तो तीसरे महीने की 3 तारीख कैसी रहेगी निकाह के लिए? उस दिन रोमियो की मामा का बर्थडे भी होता है ना। हमें क्या एतराज हो सकता है, बहन जी क्यों नहीं आई? लो जी बात पक्की, गले मिलते हैं। वो डॉक्टर साहिबा का आना तो जरूरी है ना, वो आई नहीं। तबीयत ठीक है उनकी? हाँ उनकी तबीयत खराब है इसलिए वो नहीं आ सकी, लेकिन इंशाल्लाह अगली दफा जरूर आएंगी। इंशाल्लाह ये उन्हीं का कह रहे, जब मर्जी आए। ठीक है जी, अब मुझे इजाजत दें, मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत मुबारक। अरे ऐसे कैसे जाने दें? अफलातून वो मिठाई का टोकरा लेकर आ, चल जा। और इरशाद कपड़े दे समझी और समझन के, जा बैठे ना, अभी तो बैठे। आप दोनों कहां से आ रहे हैं? एक साथ? वो मेरे एक दोस्त के बेटे की शादी थी, मैं वहां ले गया था रोमियो को अपने साथ। वहां सब मुझसे पूछ रहे थे कि आप अपने बेटे की शादी कब कर रहे हैं। फिर आपने क्या कहा? मैंने कह दिया इंशाल्लाह तीसरे महीने की 3 तारीख को। वो एक्चुअली मामा आपका बर्थडे है ना उस दिन। पहले वो लोग आके माफी मांगेंगे, फिर देखते हैं कि क्या करना है। पता नहीं ये मसला सॉल्व भी होगा कि नहीं। मसला तो हमने सॉल्व कर दिया। क्या मतलब? पापा का मतलब है कि मसला तो सॉल्व करना है। इन जाहिल लोगों को इतनी तमीज नहीं है कि ऐसे रिश्ते नहीं बनते, और बनते हैं तो चलते नहीं। इनसे सारे रिश्ते बंद करते हैं, खुद ये पटरी पे आ जाएंगे। पटरी पे आने की तारीख 3 रख ले। पापा का मतलब है कि माफी तो वो लोग मांग लेंगे, शादी की तारीख उसके बाद 3 रख ले। और अगर 3 तारीख को शादी हो रही है तो अभी तो हम लोग को तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। हाँ गॉड, तब तक तुम भी इम्तिहानों से फारिग हो जाओगे। 3 तारीख डन है। हाँ, क्या तुम लोगों ने 3 तारीख की रट लगाई हुई है? पहले उन लोगों का दिमाग ठिकाने आ जाने दो, फिर देखते हैं कि क्या करना है। ओ, बिल्कुल, बिल्कुल। दिमाग ठिकाने आने पर ही तारीख रख लेंगे। वैसे मैंने उनको माफ कर दिया,
तुम्हारी मामा भी कर देंगी। क्या अजीब बातें कर रहे हो, मैं सोने जा रही हूं। गुड नाइट मां। मुझे लगता है हमें सब कुछ मामा को सच सच बता देना चाहिए। अगर अभी बता दिया ना तो समझ ले 3 तारीख गई कैंसिल। अरे बता देंगे, पहले ग्राउंड तो बना ले। आपकी जिम्मेदारी होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने उनको अग्री करना है। बिल्ली के गले में घंटी मैं ही बांधू। पापा आप कर लेंगे, आई नो ना। तू भी कम नहीं है किसी से। अच्छा बड़ी शॉपिंग की थी अपने ससुराल वालों के लिए। भाई आपका फोन बहुत सुपर्ब है, मुझे गिफ्ट कर दो ना। हाँ किस खुशी में? आपकी शादी की डेट तय होने की खुशी में। अब जल्दी से फोन दे दो वरना मामा को कह के नया फोन भी ले सकती हूँ। पकड़ो सिम कार्ड के, मुझे दे देना और हाँ क्लीन जरूर करना। ओके अभी दे देना मुझे। चल महीने बाद हीर की शादी है, मैं सोचता हूं उसके बाद ही वापस चला जाऊं। 100 काम होते हैं, पता नहीं आप लोगों से होते हैं कि नहीं। हीर की शादी हो जाए फिर अपने घर को चले जाएंगे। नहीं नहीं, हीर के बच्चों को स्कूल में दाखला करके ही जाना। आफ्टर ऑल मैं दमाद हूं, बड़ी इज्जत है मेरी। गुस्सा आ गया ना मुझे तो मैंने किसी तरफ मुंह कर जाना। और ना 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 नजर बेटा ना, ऐसी बातें नहीं करते। हकीम साहब, रोमियो की माँ की तबीयत बड़ी खराब है, हमें उसे देखने जाना चाहिए। हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात की है तुमने, नजर जरूर जाना चाहिए हमें। यही तो मैं कहने लगा था, बस चले अभी चले। अरे चले। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे चले जाएं? अब वो बड़े मसरूफ लोग हैं ना, तो पहले पूछना चाहिए उनसे। नहीं लो भला मरीजों से भी बंदा पहले पूछता है कि भाई तेरी खबर गिरी करने आऊं कि ना। हाँ। कल को फौत वौत हो गई ना तो आप लोग किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे कि पूछने तक नहीं आए। नहीं नहीं, उनको तो पता भी नहीं कि वो बीमार हैं। पता भी नहीं है क्या मतलब? मतलब बीमार को पता ही नहीं है कि आप लोग उनसे मिलना चाहते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी फोन कर देते, बता देंगे कि हम शाम को आ रहे हैं उनको देखने। अरे मेरे फोन में तो बैलेंस ही नहीं है। एक्सक्यूज मी, ये मेरा फोन है। थैंक यू। अरे उनकी तबीयत तो अभी तक ठीक हो गई होगी, आखिर वो डॉक्टर है, अपना इलाज करना आता होगा ना उन्हें। ये तो और भी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हमें जाना जरूर चाहिए। मैं उनको कॉल करके बता देती हूँ। मैं जरा इरशाद से कहता हूँ कि वो तैयार हो जाए तो फिर कट ही चलते हैं। सोनी तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ मेरे कपड़े निकाल दो जाके। थकिया पड़ी है। डर लग रहा है कि नजर फिर कोई गड़बड़ ना करते। एक काम करती हूँ, मैं कह देती हूँ कि फोन पर रोमियो के वालदे ने मना कर दिया। अरे नहीं नहीं, वो फिर नाराज ना हो जाए। तो फिर मैं ये कहती हूँ कि डॉक्टर ने उनको आराम के लिए बोला है और तीमारदारों से मिलने से मना किया है। हाँ। सोनी सोनी जी। वो मेरा जरा बीमारी वाला सूट तो निकाल दो।
इन कपड़ों में वहां जाऊंगा तो उनको लगेगा जैसे मुझे उनकी बीमारी का अफसोस नहीं है। आफ्टर ऑल दबाद हूं, इस काम के लिए मैंने खास काले रंग के कपड़े रखे हुए हैं। वो नजर भाई, डॉक्टर ने उनको आराम के लिए कहा है और तीमारदारों से मिलने से मना किया है। तो फिर भी निकाल दो, घर में ही पहन लेंगे, यहीं पे उनकी बीमारी का सोग मना लेंगे। सोनी, कपड़े नहीं निकाले अभी तक। पढ़ रहे हो? नहीं, खेल रहा हूं। मुझे भी ये लगा, वैसे पढ़ भी लो, तुम्हारे फाइनल हो रहे हैं। हीर बिलावा जा कहीं नहीं आती, कोई वजह है तभी हीर आई है यहां। अब मेरे सामने ना ये इंप्रेशन डालने के लिए पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। बात सुनो मेरी, मामा से बात की है तुमने दिन फिक्स करने की? अभी कहाँ हीर, अभी तो मेरे घर वाले जिद कर रहे हैं कि हीर के घर वाले आके माफी मांगे। मेरे घर वाले क्यों माफी मांगेंगे, ये जिम्मेदारी तुमने ली थी कि तुम संभालोगे उन सबको। मेरी मामू को संभालना बहुत मुश्किल है हीर। और तुम्हें नहीं पता मेरे घर में कितने बड़े बड़े नमूने हर दो मिनट बाद कोई ना कोई शोशा छोड़ देते हैं। तुम्हें पता है वो लोग तैयार हो रहे थे तुम्हारी मामा की अयादत को आने के लिए। मेरी मामा की अयादत क्यों? जब झूठ बोला करो ना तो याद भी रखा करो कि क्या झूठ बोले। तुम लोगों ने कहा था कि तुम्हारी अम्मा बीमार है इसलिए दिन फिक्स करने नहीं आ सकी। शुक्र है वो नहीं आए, घर पे आ जाते तो बहुत गड़बड़ हो जाती। हीर को दुआएं दो, अगर हीर नहीं होती ना तो बहुत बड़ा मसला हो जाता। हीर ना होती तो कोई मसला ही ना होता। क्या मतलब है? हीर बहुत बड़ा मसला है, और अगर हीर मसला भी है ना तो हर किसी का दिल चाहता है कि मसला उसको भी हो। अब कुछ पढ़ भी लो तुम, तुम्हें तो भाना चाहिए ना पढ़ने का। निकम्मा हटो। हीर, नजर भाई सुबह का नाश्ता 3 दफा तो कर चुके हैं आप, फिर भी चेहरे से क्यों लगता है कि आप भूख हड़ताल पर बैठे? आफ्टर ऑल मैं दमाद हूं, दमाद की इज्जत ही कोई नहीं। सुबह का कह रहा हूं कि चमथन बीमार है, उसकी खबरगिरी को फौरन जाना चाहिए। आपके फायदे की बात करता हूं जी, वरना मेरा क्या है, मेरी सुनता ही कोई नहीं यहां पे। मेरे ख्याल में समधन की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, वरना फोन करके दिन रखने पर मुबारक तो देती। हकीम साहब फिर तो हमें मिलने चले जाना चाहिए। लो सारी रात हीर सुनते रहे और सुबह उठ के पूछा कि हीर लड़का थी कि लड़की। यही तो मैं कह रहा हूं कि जाना चाहिए, इस घर में बड़ा कौन है? कौन है? मैं तो नहीं हूं, घर के बड़े हकीम साहब, तो घर के फैसले भी हकीम साहब ही करेंगे, छोटे नहीं करेंगे। मैं तो कहता हूं हकीम साहब फल की रेड़ी पकड़े और फौरन चले समधन की आदत को, बल्कि चले अभी चले। आफ्टर ऑल मैं दमाद हूं। तालिकुन जी, ये जरा मेरी हेल्प करें इसको नीचे उतारने में। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ। मामा की तबीयत कैसी है? हाँ उनकी तबीयत को क्या हुआ, वो तो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में?
मामला इतना सीरियस था तो मैं पहले बताते। आफ्टर ऑल मैं तो माद हूँ, कोई मखौल थोड़ी हूँ। अब्बा अस्पताल चले। अच्छा किया हम आ गए। जब तक मामला सीरियस ना हो हकीम अपनी दवाई नहीं खाता और डॉक्टर अपने अस्पताल में दाखिल नहीं होता। हाँ बिल्कुल। वैसे बेटी तुम्हारी माँ को हुआ क्या है, मेरा मतलब बीमारी क्या है? जी कुछ समझ नहीं आई। समझ नहीं आई, मुझे भी एक दफा बीमारी हुई थी, किसी डॉक्टर को समझ नहीं आई थी। अदर भाई दू आपको, बहुत मीठा है। वो तो चुप कर। अब्बा और कोई तो पूछ ही नहीं रहा है तो खुद ही पूछ लेते हैं एक दूसरे से। और तू यहाँ अयादत को आया है, दावत पे नहीं आया। हो सकता है मामा देर से हॉस्पिटल से फारिग हूँ। लेट बेशक हो जाए लेकिन जान बच जानी चाहिए। हाँ तो हमें कोई मसला थोड़ी है, रात तक खाने के लिए फारिग है हम लोग। हम यहाँ खाना खाने नहीं आए, चुप करके बैठ। नहीं हकीम साहब यहाँ खाना खाने तो हम नहीं आए, लेकिन अगर ये लोग हमें खिलाएंगे तो फिर तो खाना खाना हमारा फर्ज है। ये हीर के ससुराल वाले हैं, हम इन्हें मना तो नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल मैं दमाद हूँ। वैसे खाने में क्या पकाऊं? नहीं चली गई। चले हम अंदर चल के बैठ जाते हैं, और तो कोई पूछ नहीं था। आ जा तू भी आ जा। डॉक्टर शनाज मेरी लुक कुछ अजीब सी नहीं हो गई? लुक अजीब सी नहीं, डिजाइनर लुक हो गई है। तुम देखना एक ही सेल्फी के बाद फेसबुक पे तुम वायरल हो जाओगे। हेलो मिनाल, क्या है? रोमियो के ससुराल वाले आए हुए, माफी मांगने आए होंगे। दो घंटे से आए हुए बैठे हुए? बैठे रहने दो। बिल्कुल लोकल एंजेलिना जोली लग रही हो। ओह रियली थैंक यू। अफलातून यार तुझे खाता देखकर तो मुझे भूख लगनी शुरू हो गई है, बस भी कर यार। ये तू सोफे पे लेट के क्यों खा रहा है? अम्मा लेट कर नहीं खा रहा, खा कर लेट। मुझे इस घर में लेटने की कोई जगह नहीं, तुम्हारी स्थिति कर लूंगी यार मैं। नहीं देखें तू बंदूक की तरह बैठ, लगता है डॉक्टर साहब को ले आए। हाँ हाँ बिल्कुल सीधे हो जा, एम्बुलेंस में लाए होंगे। अल्लाह का शुक्र है आप बच गई, हमने इतनी दुआएं की आपकी बचने की। मेरे बचने की दुआएं? हाँ वो हम दो घंटे से इंतजार कर रहे हैं। कमरे का जो हाल है दो घंटे तो लगे होंगे, आप लोगों को बता के आना चाहिए था।
देखें जी, अब बीमारी मरग में टाइम नहीं देखा जाता। हमें जैसी इतला मिली हम तो यहाँ पे भागे चले गए। वो भागने से मुराद इनकी ये नहीं कि पैदल चलकर आए, सालम टैक्सी पर आए। डॉक्टर साहब वैसे तकलीफ क्या हुई थी आपको? तकलीफ आपको ही होगी जी। हाँ हाँ, बड़ी तकलीफ हुई थी जब पता चला आपकी हालत का। अब तो माशाल्लाह ठीक है। आप उस दिन आई नहीं, लेकिन जो आपने चीजें भिजवाई वो हमें इतनी पसंद आई और नजर को भी। हाँ, आज ही और वो आपका पैगाम भी मिल गया। तो क्या बातें कर रहे हैं? कौन सा पैगाम? वही माफी वाला। क्या जरूरत थी ऐसी दो दो बार माफी मांगने की है? बस एक बंदे ने माफी मांग ली तो बस हो गई। अब देखें ना, या आप माफी मांगे या मैं मांगूं, दिल साफ हो जाता है। वैसे डॉक्टर साहब, आपने जो किया ना, ये आपका बड़ा पन्ना। मैंने किया क्या है? वो प्रोफेसर टीका, मैंने मतलब है प्रोफेसर राजा किधर है वो नजर नहीं आ रहे। मैं दमाद हूँ, मेरा पूछना बनता है। आ गया। अरे अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम प्रोफेसर साहब, आप ही का जिक्र कर रहा था नजर। हम दरअसल डॉक्टर शहनाज साहबा की खबरगीरी करने आए। आप लोगों ने कुछ चाय वगैरह पी? पी लेनी थी जी, अगर किसी ने पूछा होता। वैसे हम मरीजा की आदत के लिए मंडी से स्पेशल फल लेके आए हैं। जी कैसे ना लाते। हमने भी जब डॉक्टर साहबा की बीमारी का सुना, हमारी तो नींद ही उड़ गई। हाँ बस खर्राटा ही लेते थे, सोते थोड़ी थे। एक मिनट, किसने कहा मैं बीमार हूँ? किसी ने भी नहीं कहा, आप तो हमेशा सही रहती हैं। वो दरअसल प्रोफेसर राजा साहब ने और बरखुरदार रोमियो ने बताया था कि आप सख्त बीमार हैं, बहुत सख्त बीमार हैं। और मैं तो जी मरीज को देखते ही बता देता हूँ कि उसको बीमारी क्या है। मेरे हिसाब से आपको कोई बीमारी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है। फिर आप दिन पक्के करने क्यों नहीं आई? पक्के करने? पहले कच्चे थे जो पक्के करने पड़े। एक मिनट जी, जरा इधर आना। ये जरा पढ़ी लिखी नहीं है ना, मैं समझाता हूँ। हुआ ये कि जिस दिन प्रोफेसर साहब हमारे घर आए थे, आप नहीं आई। इन्होंने बताया कि आप बीमार हैं। तो हम फिर आपकी तीमारदारी करने को आ गए। तो इसलिए रोज तीन तारीख हो रही है। What the hell is going on? ये आप बाप बेटे ने क्या ड्रामा मचा रखा है? एक मिनट, शहनाज, शहनाज मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। अच्छा, दिमाग का मसला है, दिमाग का मसला है। शहनाज, तुम बाप बेटे ने बहुत तमाशा कर लिया, मुझे बताया तक नहीं और जाके शादी की तारीख सेट कराए। तुम किसी की सुनती कहां हो? निकालो निकालो इनको मेरे घर से, बस बहुत हो गया, ये शादी नहीं हो सकती। चुप, अब एक लफ्ज और नहीं। मार दिया ओ बंदा, मार दिया इन्होंने। चल चल तू जलाल, तू आए बुला को डाल, तू जल तू जलाल, तू आए। मैंने कहा ना चुप, बेटे के ससुराल वालों के सामने मुझे कोई बकबक नहीं चाहिए। मैं बकबक करती हूँ, मैं बकबक करती हूँ। बस बहुत हो गया। आप मुझे कैसे बात करें? कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, अब आओ मेरे साथ और कुछ नहीं बोलना। बाकी बातें मेहमानों के जाने के बाद होंगी, समझी?
या अल्लाह खैर हमें भी कोई चीज ना मार दे, मेरे ख्याल हम निकले। ओ नजर चल निकल, आजा आजा तू भी आजा निकल। यहाँ क्यों खड़े हुए? अरे मेहमानों ने भी तो चाय नहीं पी। नहीं नहीं, चाय तो हम नहीं पियेंगे। अब आपकी तबीयत ठीक है ना, हमें इजाजत है? वो आफ्टर ऑल देर बहुत हो गई। चले चले हकीम साहब, चले चले। चले मामा जल्दी अब पापा को सॉरी बोले। क्या सारी गलती तुम्हारी है डॉक्टर शनाज? रोमियो को सॉरी करो, मूड ठीक करो यार। जितना मर्जी मूड ठीक कर लूं, हकीमों को देखूंगी फिर से खराब हो जाएगा। Show me a